सबको हमारा नमस्कार। खास करके मैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कोविड के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पे आपने ये कंसल्टेशन रखा है। इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान में किस तरीके से पूरा देश गुजरा, खास करके जो हमारे निम्न तबके के लोग हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन जो बाहर जाके काम करते थे, उन लोगों की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कई लोग अपने जॉब अपने उनका जॉब लॉस हुआ था। इसके अलावा इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस देखने में आया था, फैमिलीज में ये सिचुएशन देखने में आया था, क्योंकि हम लोगों ने सोर्स एरिया पे जाके हम लोगों ने बहुत सारे कोविड के दौरान भी काम किया था, और हम लोगों ने देखा था किस तरीके से माइग्रेंट पॉपुलेशन के परिवार डिस्ट्रेस से गुजर रहे थे, और इसके कारण बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ गया था, और वो वल्नरेबिलिटी अभी भी समाज में दिख रहा है। क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी कोविड के दौरान हुआ था, इसके बाद हमारी जो ये सरकार ने, जिसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं कि ये सिचुएशन के बाद हम लोग उभर के बाहर निकले सरकार के प्रयासों के द्वारा, और जनता के सचेत होने के नाते हम लोग इस कोविड के चीजों से बाहर निकल पाए। बट ये सिचुएशन आज के डेट में बहुत ही वनरेबल हो गया है, खास करके माइग्रेंट पॉपुलेशन और जो हैंड टू माउथ एग्जिस्टिंग वाले परिवार के लोग हैं। इसमें बहुत जरूरी है कि आपको देखने में आएगा कि ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, खास करके लेबर ट्रैफिकिंग में बहुत ज्यादा इंक्रीज, शार्प इंक्रीज देखने में आया गया है। बट हम यहाँ कह सकते हैं कि जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ था, तब देखने में आया था कि सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले जरा रिड्यूस हुए थे, बट इट इज अ टेम्पररी फेज। अब जबकि लॉकडाउन खुल गया है, ब्रॉथल्स आर स्लोली ओपनिंग। क्या था कि लॉकडाउन के समय में ब्रॉथल्स बंद हो गए थे जगह जगह, तो इसके कारण इसमें ट्रैफिकिंग के सिचुएशन बहुत कम हो गए थे। बट नाउ इट इज बींग इन अब देखने में आ रहा है, बिकॉज वी आर ऑल्सो वर्किंग इन द सोर्स एरिया ऑल्सो, और जगह जगह देखने में आ रहा है कि ये ट्रैफिकर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को जिनमें वल्नरेबिलिटीज आ रहे हैं, उन परिवारों को टच डाउन कर रहे हैं, और टच डाउन करके उनको लियोर कर रहे हैं। इसीलिए जैसा कि डॉक्टर पीएम नायर साहब बोल रहे थे कि बहुत जरूरी है कि ऐसे नेटवर्क्स होने चाहिए, ऐसे कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, गवर्नमेंट के एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए, विच इज इम्पोर्टेंट स्टे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब्स के माध्यम से, या स्कूल आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बहुत बड़ा एक नेटवर्क, जैसा कि सर डॉक्टर पीएम नायर सर भी बता रहे थे कि ये बास्केट ऑफ क्राइम है, और यह क्राइम अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से होता है। दैट इज वाई हम लोग को सोर्स, ट्रांजिट, डेस्टिनेशन एरिया पे बहुत ही पार्टनरशिप में काम करने की जरूरत है। जैसा कि एंटी ट्रैफिकिंग वर्क में बोला जाता है कि हम लोग से ज्यादा एंटी ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव में जो लोग काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा ट्रैफिकर्स ऑर्गेनाइज्ड है, एंड दैट इज व्हाई राइट फ्रॉम सोर्स, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन एरिया, हूसोएवर, आइदर गवर्नमेंट एजेंसी और द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं एंटी ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव में, हम सब लोगों को पार्टनरशिप में काम करने की जरूरत है। अगर इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लेबर ट्रैफिकिंग के पर्पस के लिए केसेस बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, और चाइल्ड लेबर में मिनिमम वेजेस के बात को देखते हुए बहुत ज्यादा मिनिमम वेजेस के माध्यम से लोगों को लियोर करके लेके जा रहे हैं। और चाइल्ड लेबर में तो बच्चों को एक तरीके से बस खाने के लिए लेके जा रहे हैं कि अब उनको खाना मिल जाएगा, इस तरीके से लेकर लोगों को जगह जगह डिफरेंट सिचुएशन में लगा रहे हैं। जैसे कि राजस्थान पुलिस के जो ट्रेनर साहब थे, वो बता रहे थे कि बैंगल इंडस्ट्रीज में और कई सारे जड़ी के काम में बहुत सारे बच्चों को लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोविड के कपल्ड विद नेचुरल डिजास्टर, आपने देखा होगा कि बंगाल में साइक्लोन अभी कुछ दिन पहले आया था, इसके बाद अभी आसाम में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में फ्लड्स के सिचुएशन राइज कर रही है। तो इसके नाते आप देखेंगे कि पूरा ये सब जो सोर्स एरिया वाला जगह है, वहां पर वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और वल्नरेबिलिटी बढ़ने के कारण वी एज एन एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क, वी नीड टू वर्क इन पार्टनरशिप, और विजिलेंस एक तरीके से बढ़ाने की जरूरत है राइट फ्रॉम द सोर्स एरिया। अगर सोर्स एरिया में हम लोग विजिलेंस की बात करते हैं, तो वहां पर VLCP, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट है,
CWCs हैं जहां पर, या पुलिस स्टेशन है जहां पर बच्चों के मिसिंग केसेस रिपोर्टिंग होते हैं, वहां पर जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आता है आपको अपने चाइल्ड लाइन डिस्ट्रिक्ट के चाइल्ड लाइन को इंटीमेट करना चाहिए। इसके अलावा ऑल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क, इसीलिए बहुत जरूरी है कि नेटवर्क के माध्यम में हम लोग काम करें, क्योंकि हम लोग को रेस्क्यू करना है तो यहाँ पर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आइसोलेशन पे अगर पुलिस अगर अकेले रेस्क्यू कर रही है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अगर पार्टनरशिप में काम कर रही है जहां पर उसको सहयोग एनजीओ की चाहिए, जहाँ सहयोग उनको स्टेट पुलिस जहां पर वो रेस्क्यू करने जा रही है वहां के एसडीओ से आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। यह सब चीज में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया हो जाता है। तो इन सब चीज को अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं तो एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जहां तक रिहेबिलिटेशन की हम बात करते हैं तो रिहेबिलिटेशन पे अभी फिलहाल हमारे पास या हमारे सरकार के पास भी ऐसा कोई कंक्रीट प्लान नहीं है जिसके नाते हम लोग उनको कोई इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन दे सके। बट बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कम से कम हम लोग उनको उस स्कीम से रेस्क्यू होने के बाद उन स्कीम से अगर हम लोग जोड़ सके डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम के माध्यम से तो उसमें हो सकता है कि उनके रीट्राफिकिंग को हम लोग एक तरीके से रोकने में हम लोग प्रयास कर सकेंगे। तो और इम्पोर्टेंट एक और भी चीज है कि अगर जो भी विक्टिम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले से रेस्क्यू हुई है उसमें सेक्शन 370 लगा है या आईपीसी के कई सारे सेक्शंस लगे हैं जो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि हम लोग उनको विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है उनसे हम लोग को जोड़ना चाहिए ताकि विक्टिम कंपनसेशन को हम लोग एक तरीके से फैसिलिटेट कर पाए। हम जानते हैं कि हमारे विक्टिम जो होते हैं ये सब स्कीम्स के बारे में जानते नहीं है, बट जो हमारी नेटवर्क है एंटी ट्रैफिकिंग की जो इस तरीके के स्कीम्स में, खास करके जो विक्टिम जिनसे टच बेस करते हैं वो एनजीओ होते हैं या पुलिस के अधिकारी होते हैं या चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज होते हैं, इन सब लोगों को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स के बारे में एक तरीके से जागरूक रहना चाहिए और वो पीड़िता को उस विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से फ्रॉम द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनको हम लोग लिंक कर सके ताकि उनको वो कंपनसेशन दिला सके जिससे वो उनके एक तरीके से कुछ थोड़ा सा हम लोग जो प्रयास कर सकते हैं इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में, उस इकोनॉमिक से उस पैसे से उनका रिहेबिलिटेशन को हम लोग इंश्योर कर सके जो भी हो सकता है जिससे उसको वनरेबल नहीं रहे और उनको हम लोग एक तरीके से समाज के मुख्य धारा में फिर से लेकर आ सके। जहां तक हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी नेटवर्क का, बहुत जरूरी है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स जो जगह जगह बने हुए हैं उनके साथ हम लोग को काम करने की जरूरत है ताकि ऐसा कभी भी कोई केस आता है, चाहे वो सोर्स एरिया में इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो रहा है, चाहे वो ट्रांजिट एरिया में, चाहे वो आपका डेस्टिनेशन एरिया में बच्चा रेस्क्यू हो रहा है या पीड़िता रेस्क्यू हो रही है या पीड़ित बच्चा रेस्क्यू हो रहा है, वहां पर हम लोग एक दूसरे से लिंक करके उनको बच्चे को रिपैट्रिएट कर सके। क्योंकि रिपैट्रिएशन भी अगर देखा जाए तो बच्चों का रिपैट्रिएशन तो हम लोग थ्रू द वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा मिलता है कहीं पर भी डेस्टिनेशन एरिया में तो वो बच्चा इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का बच्चा होता है और उसको सबसे पहले जो प्रोडक्शन होता है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने होता है, तो वहां तो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। मगर जो मेजर विक्टिम जो रेस्क्यू हो रही है और उनको रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है उनको उनके परिवार तक सिर्फ भेज दिया जाता है, बट उनको री इंटीग्रेट करने में हम लोग को बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है, खास करके सेक्स ट्रैफिकिंग वाले मामले में री इंटीग्रेशन इज अ वेरी क्रूशल और वेरी चैलेंजिंग पार्ट। तो यहाँ पर भी बहुत जरूरी है कि ऐसे नेटवर्क के माध्यम से हम लोग काम करें, बिकॉज ये आइसोलेशन पे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आइसोलेशन पे अगर हम इस विषय को लेकर काम करते हैं तो हम लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने जगह पे हम लोग काम करते रहेंगे मगर विक्टिम को हम लोग कहीं पर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब लोग मिलके एक दूसरे को हाथों को मजबूत कर सकें और उस मजबूती में हम लोग विक्टिम को एक न्याय उसको दिला सके और न्याय प्रणाली में उसको विश्वास करा सके कि कभी भी कोई भी बच्ची या महिला या व्यक्ति कोई ऐसे सिचुएशन में पड़ जाता है स्टेट एनजीओज उसके साथ पे खड़ा रह के उसको समाज के मुख्य धारा में फिर से जोड़ सके। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिचुएशन है
उसमें हम लोग एक तरीके से डेवलपमेंट या सुधार ला सकते हैं।